वेलकम टू अमेजिंग वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 370 की। क्या है धारा 370 जो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को अन्य भारतीयों से अलग अधिकार देती है? जम्मू कश्मीर और वहां की राजनीति में क्या खास बात है? वह भारत से किस तरह अलग है? जम्मू कश्मीर राज्य को कुछ विशेष अधिकार मिले हैं और यह धारा 370 के कारण मुमकिन हुआ। आइए आपको बताते हैं क्या है धारा 370 और यह कैसे एक देश को दो हिस्सों में बांटती है। धारा 370 पर भारतीय राजनीति में उठापटक होती रहती है। 2014 के आम चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आखिर इस धारा से आम कश्मीरियों को कितना फ़ायदा पहुंचा, जिसके बाद राजनीतिक दलों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी। कई राजनीतिक दल इस धारा को हटाने की मांग करते रहे हैं। क्या है धारा 370? भारतीय संविधान की धारा 370 जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करती है। धारा 370 भारतीय संविधान का एक विशेष अनुच्छेद यानी धारा है जो जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष अधिकार प्रदान करती है। भारतीय संविधान में अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपलब्ध संबंधी भाग 21 का अनुच्छेद 370 जवाहरलाल नेहरू के विशेष हस्तक्षेप से तैयार किया गया था। कैसे हुआ जम्मू एंड कश्मीर का भारत में विलय? 1947 में विभाजन के समय जब जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई, तब जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे। इसी दौरान तभी पाकिस्तान समर्थित कबीलाइयों ने वहां आक्रमण कर दिया, जिसके बाद उन्होंने भारत में विलय के लिए सहमति दी। उस समय की आपातकालीन स्थिति के मद्देनज़र कश्मीर का भारत में विलय करने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करने का समय नहीं था, इसलिए संघीय संविधान सभा में गोपाल स्वामी आयंगर ने धारा 306A का प्रारूप पेश किया। यही बाद में धारा 370 बनी, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों से अलग अधिकार मिले हैं। 1951 में राज्य को संविधान सभा को अलग से बुलाने की अनुमति दी गई। नवंबर 1956 में राज्य के संविधान का कार्य पूरा हुआ। 26 जनवरी 1957 को राज्य में विशेष संविधान लागू कर दिया गया। धारा 370 के प्रावधानों के मुताबिक संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विशेष मामले, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है। किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की सहमति लेनी पड़ती है। इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती। राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। 1976 का शहरी भूमि कानून भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। भारत के अन्य राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते। धारा 370 के तहत भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त राज्यों के अलावा भारत में कहीं भी भूमि खरीदने का अधिकार है। भारत संविधान की धारा 360 यानी देश में वित्तीय आपातकाल लगाने वाला प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करना उस वक्त की बड़ी ज़रूरत थी। इस कार्य को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को उस समय धारा 370 के तहत कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। इसी की वजह से यह राज्य भारत के अन्य राज्यों से अलग है। धारा 370 की बड़ी बातें। जम्मू कश्मीर का झंडा अलग होता है। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है। जम्मू कश्मीर में भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं है। यहाँ भारत की सर्वोच्च अदालत के आदेश मान्य नहीं होते। जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य की व्यक्ति से शादी कर ले तो उस महिला की जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाएगी। यदि कोई कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती है तो उसके पति को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती है। धारा 370 के कारण कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती है। जम्मू कश्मीर के बाहर लोग जमीन नहीं खरीद सकते। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल होता है, जबकि भारत के अन्य राज्य की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल होता है। भारत की संसद जम्मू कश्मीर के संबंध में बहुत ही सीमित दायरे में कानून बना सकती है। जम्मू कश्मीर में महिलाओं पर शरीयत कानून लागू है। जम्मू कश्मीर में पंचायत के पास कोई अधिकार नहीं है। धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार लागू नहीं होता, मतलब RTI नहीं है। जम्मू कश्मीर में शिक्षा का अधिकार लागू नहीं होता। यहाँ CAG भी लागू नहीं है। जम्मू कश्मीर में काम करने वाले चपरासी को आज भी 2500 रुपये ही बतौर वेतन मिलते हैं। कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों को 16% आरक्षण नहीं मिलता है। तो ये थी धारा 370 से लेकर कुछ अहम जानकारियाँ।
उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और अगली वीडियो में हम कश्मीर की हिस्ट्री और करंट स्टेटस के बारे में आप लोगों से बात करेंगे। धन्यवाद।